गणतंत्र दिवस मनाने हेतु एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले तो ये आवश्यक है जानना कि राष्ट्रीय पर्व क्यों मनाते हैं, क्योंकि हम साल में दो बार, एक तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जो राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय चेतना जगाने हेतु हमारी जो स्फूर्ति है वो धीरे धीरे काम करते करते जो कम हो जाती है, तो उसमें ऊर्जा प्रदान करने के हेतु राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। और इस पर्व के पीछे क्या राज है इसको भी जानते हैं हम सब। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की रचना की थी, समिति के बहुत सारे सदस्य थे लेकिन मूल रूप से उसकी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे जिन्होंने संविधान की रचना की कि सारा देश चलता है और सुव्यवस्थित और इसके विकास में लगा रहता है। तो यह पर्व इसलिए मनाते हैं कि आज के दिन हम लोग संकल्प लेते हैं कि इस संविधान की रक्षा हम आज के दिन, ये भी याद रखना है कि हमको राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। तभी हमारी भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को की घोषणा की है, तो हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी चाहिए। वैसे शिक्षा का शब्द से ही होता है कि शिक्षा मनुष्य को एक अच्छा इंसान बनाता है। शिक्षित व्यक्ति का मतलब ही है कि वह संस्कारित और सुव्यवस्थित है। हमारे विद्या भारती के अंदर शिक्षा जो दी जाती है वो संस्कारयुक्त शिक्षा होती है। तो शिक्षा वास्तव में दो प्रकार की होती है, एक को औपचारिक शिक्षा और दूसरी अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है वो सब औपचारिक शिक्षा कहलाता है, और जो हम संस्कार देते हैं वो अनौपचारिक शिक्षा है। जो हमारे घर में, जो हमारे परिवार में, जो हमारे विद्यालय में जो हमको संस्कार देता है, उठने बैठने की शिक्षा देता है। और हम सभी इन सब बात पर जोर देते हैं कि हमारे जो देश के नागरिक हों वो सच्चे अच्छे नागरिक बने, इसलिए उनको संस्कार युक्त शिक्षा दें। तो हमारी शिक्षा के पीछे यही उद्देश्य है। और नई शिक्षा नीति में रोजगारोन्मुख शिक्षा की व्यवस्था की गई है, यानी अर्थात छठे वर्ग से ही ये शिक्षा दी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भी कार्य में जिसमें उसकी अभिरुचि हो उसी में ही वह। राष्ट्र का अर्थ होता है इस राष्ट्र में रहने वाले व्यक्ति। तो हम कोई भी ऐसा काम करें जिसमें किसी दूसरे का नुकसान नहीं हो, बल्कि अपना थोड़ा नुकसान सह के भी हम दूसरे का कल्याण, समाज का कल्याण, राष्ट्र का कल्याण, इस भाव से जब हम अपना काम करते हैं तो समाज का कल्याण होता है, राष्ट्र का उत्थान होता है। तो आज के दिन राष्ट्रीय पर्व के दिन हम लोग यह संकल्प लें कि हम जो भी काम करें उसमें राष्ट्र का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, इन सब बातों को ध्यान रखते हुए ये हम लोग राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। अपना देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने कई छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, लंबी लड़ाई लड़ी। लेकिन आज इस उद्देश्य के साथ इस गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, उसके पीछे के कारण है 26 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा का निर्माण हुआ और उसी दिन, और क्रमशः उसी दिन को हम लोग आज तक मनाते आ रहे हैं, 26 जनवरी के रूप में मनाते हुए आ रहे हैं। जिस उद्देश्य से स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान निछावर की, शायद आज उनकी कहीं खड़े होंगे तो कुछ मन में विचार आता ही होगा उनका। हमारा मन मस्तिष्क कुछ ऐसे आव भाव की ओर तरंगे लेने लगते हैं जो कि नहीं चाहिए, नहीं उस पर विचार करना ही नहीं चाहिए। भय, भूख, भ्रष्टाचार, चारों ओर
इस बदलाव के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। बस मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, यह शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने हैं प्राण, उन्हें भी कर लो कुछ याद, उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। मेरे वतन के लोग जरा आंत हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद जय हिंद जय हिंद की सेना।